साल 2002 में हुए दंगों में 1267 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इन दंगों में 2000 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये ऐसे दंगे थे कि जिनमें कोई एक जिला प्रभावित नहीं था, बल्कि हर जिले में निर्दोष लोगों को जिंदा जलाया गया। महीनों तक दंगे चलते रहे। आरोप लगा कि ये सब सरकार, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और पुलिस की मिलीभगत से हुआ। मोदी पर पहला आरोप लगा कि गोधरा कांड के बाद गोधरा से मृतकों के शवों को जानबूझकर अहमदाबाद लाया गया, जिससे कि जानबूझकर दंगे भड़के और राजनीतिक लाभ मिले, और यह फैसला किसी और का नहीं बल्कि मोदी का था। दूसरा आरोप ये लगा कि जिस शाम गोधरा कांड हुआ, उसी शाम मोदी ने एक मीटिंग ली और अधिकारियों को आदेश दिया कि हिंदुओं के प्रतिशोध के बीच में ना आए। तीसरा आरोप अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी को लेकर लगा, जिसमें 69 मुस्लिमों, महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। आरोप ये कि सुबह ही कॉल करने के बावजूद स्थानीय पुलिस जानबूझकर इस सोसाइटी को बचाने के लिए नहीं पहुंची। चौथा आरोप ये लगा कि पुलिस कंट्रोल रूम में मोदी के दो मंत्री जाकर बैठ गए, जिन्होंने पुलिस के काम को प्रभावित किया। पांचवा आरोप ये लगा कि गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी ने मोदी को भी फोन किया था और बताया था कि एक उग्र भीड़ ने उनकी सोसाइटी को घेर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई मदद नहीं की, उल्टा उन्हें गालियां दी। इसके बाद हुए नरसंहार में दंगाइयों ने गुलबर्ग सोसाइटी में 69 मुस्लिमों को मार डाला, साथ ही एहसान जाफरी को भी उनके हाथ काट डालने के बाद जिंदा जला दिया। छठवां आरोप ये लगा कि अहमदाबाद की नरोदा पाटिया नामक जगह को लेकर कि यहाँ हुए नरसंहार में 97 मुस्लिमों की हत्या कर दी, जिसमें कि अधिकतर महिलाएं थीं जिन्हें रेप करने के बाद जिंदा जलाया गया, लेकिन जानबूझकर पुलिस ने दंगाइयों को नहीं रोका। सातवां आरोप ये कि जिस दिन गोधरा कांड हुआ, मुख्यमंत्री उसी दिन गोधरा पहुंचे, लेकिन उसके अगले दिन जब नरोदा पाटिया नरसंहार हुआ, गुलबर्ग सोसाइटी में नरसंहार हुआ, तो मोदी वहां पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं पहुंचे। आठवां आरोप ये लगा कि मोदी ने दंगों को रोकने की बजाय ऐसे बयान दिए जिनसे कि गुजरात और अधिक दिन तक जलाया जाता रहा। नौवां आरोप ये लगा कि उन्होंने जानबूझकर आर्मी को लेट बुलाया, जबकि केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार थी। दसवां आरोप ये कि जब दंगों के बारे में अदालत में सुनवाई हुई, तो निष्पक्ष सरकारी वकीलों की जगह विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों को सरकारी वकील बनाया गया, जिनकी बदौलत दंगाइयों को जमानत दिलवाई गई। ग्यारहवां आरोप ये लगा कि जिन अधिकारियों ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की, उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए, पुराने केस खुलवाए गए, और जिन्होंने दंगे होने दिए और मोदी के समर्थन में बयान दिए, उन्हें प्रमोशन दिए गए, पोस्ट रिटायरमेंट नियुक्तियाँ दी गई। बारहवां आरोप ये लगा कि जांच एजेंसियों ने जानबूझकर असली गवाहों की बात नहीं सुनी, बल्कि आरोपियों की बातों को ही सच मानकर मोदी को क्लीन चिट दे दी। ऐसे तमाम आरोप गुजरात के मुख्यमंत्री को लेकर लगे, उनके मंत्रियों पर लगे, इसलिए देश की सुप्रीम अदालत और न्यायाधीशों का पूर्ण सम्मान करते हुए, जांच प्रक्रियाओं में अथाह श्रद्धा समर्पित करते हुए, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे SIT की उस जांच प्रक्रिया की, जिसमें कहा गया कि मोदी के खिलाफ सबूत नहीं मिलते। क्या वाकई में कोई सबूत नहीं थे, या जानबूझकर सबूतों को कूड़े में फेंक दिया गया? आज की इस पड़ताल में हम मोदी पर लगे इन तमाम आरोपों, उनकी जांच और जांच के बाद हुए परिणामों की बात करेंगे कि कैसे मोदी के खिलाफ उपलब्ध तमाम सबूतों के बाद भी वे जांच प्रक्रियाओं में सफेद होकर निकले। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। राजनीति में स्मरण शक्ति का बड़ा खेल है, क्योंकि यहाँ पर एक घटना खत्म नहीं होती कि दूसरी घटना आ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और चौथी के बाद पांचवी घटना आ जाती है। जनता पिछली घटना को भूल जाती है और नई घटना में उलझ जाती है। इतने में कल का अपराधी आज का साधु बन जाता है, और कल का कीटाणु वक्त बदलने के साथ खुद ही डिटॉल साबुन बन जाता है। इसलिए चीज़ों का याद रखा जाना जरूरी है, उनका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। इसलिए मिलान कुंदेरा ने लिखा कि सत्ता के खिलाफ व्यक्ति का संघर्ष दरअसल भूलने के खिलाफ याददाश्त का संघर्ष है, और जब पूरा तंत्र ही आपकी याददाश्त पर झूठ से सनी चमकदार चादर चढ़ाने में लग जाए, तो याददाश्त को बनाए रखने का संघर्ष और अधिक बढ़ जाता है। गुजरात दंगों के 20 साल बाद आज भी उन 2000 से अधिक गुजराती पीड़ित न्याय का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें इन दंगों में मार दिया गया। गुजरात दंगों के बाद जो सबसे अधिक शर्मनाक बात हुई, वो न्यायिक प्रक्रिया का
पूरी तरह ढह जाना था। जिस सरकार का काम लोगों को सुरक्षा देना था, न्याय देना था, वो सरकार ही अपराधियों और हत्या के आरोपियों को बचाने में लग गई। सरकार ने ऐसे सरकारी वकील नियुक्त किए जो पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय अपराधियों को बचाने में लग गए। गुजरात के 2002 दंगों की जांच के लिए राज्य ने अपने पसंदीदा नानावती आयोग का गठन किया। इस आयोग के गठन की शुरुआत से ही आरोप लगे कि नरेंद्र मोदी ने अपने चहेतों को अपनी ही जांच के लिए चुना है। इसलिए साल 2003 में ह्यूमन राइट कमीशन की याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर लॉयर हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, जिनका जिम्मा था कि ये आयोग की जांच पर नजर रखेंगे। एमिकस क्यूरी का हिंदी अर्थ होता है न्याय मित्र या फ्रेंड ऑफ कोर्ट। इसका काम किसी का पक्ष लेना नहीं होता, ये न्यायालय की मदद के लिए होता है और केस के पहलुओं और जांच आदि के लिए परामर्श आदि का इसका काम होता है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से एमिकस क्यूरी के अपने राजनीतिक झुकाव हो सकते हैं, जिससे वो किसी एक का पक्ष ले और उसे लाभ पहुंचाए। इस केस में हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया। ये वही हरीश साल्वे हैं जिन्हें भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने साल 1998 में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। हरीश साल्वे को भाजपा सरकार के नज़दीक का आदमी माना जाता है। तहलका मैगजीन ने तो इसे लेकर एक पर्दाफाश भी किया था और एक स्टिंग ऑपरेशन करके उनके वे ईमेल निकाल डाले जिनमें कि उन्होंने साबित किया कि हरीश साल्वे बड़े उद्योगपतियों और गुजरात सरकार के बीच में डील किया करते हैं। तहलका मैगजीन ने यह बड़ा सवाल किया कि जो हरीश साल्वे मोदी सरकार के साथ कॉरपोरेट की लॉबिंग करते हैं, जिनके मोदी और भाजपा से इतने अच्छे संबंध हैं, वे कैसे इतने संवेदनशील मामले में निष्पक्ष बने रह सकते हैं जिसमें कि आरोप खुद मोदी पर हैं। गुजरात दंगों के पीड़ितों को न्याय देने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रही तीस्ता सी तलवाड़ के संगठन सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस ने भी एमिकस क्यूरी के रूप में साल्वे के रोल पर सवाल उठाए। सीजेपी ने आरोप लगाया कि जाँच के दौरान जो गड़बड़ियाँ की गई उन पर पीड़ित लाख शिकायत कर लें, लेकिन हरीश साल्वे उन्हें सुनते ही नहीं। एक ऐसे आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एमिकस क्यूरी बना दिया, जिसका काम जांच पर सिर्फ नज़र रखना ही नहीं था, बल्कि उस जांच के लिए बनी एसआईटी की टीम में सदस्य कौन कौन से होंगे इसका भी चुनाव करना था। उस महत्वपूर्ण पद पर गुजरात सरकार के लिए लॉबिंग करने वाले हरीश साल्वे को न्याय मित्र बना दिया गया, जिस केस में पहले से ही पीड़ितों को न्याय की उम्मीदों की हत्या की जा रही थी, बल्कि दंगों के सैकड़ों आरोपियों को छोड़ा जा रहा था। हरीश साल्वे और एसआईटी की टीम के सदस्यों पर लौटेंगे जिसने मोदी को क्लीन चिट दी, उससे पहले गुजरात में चल रही जांच के तौर तरीकों पर नजर मारते हैं। गुजरात दंगों के बाद गुजरात में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को ऐसे कुचला जा रहा था कि दंगों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट को वो केस गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि दंगों के कुछ दिन के भीतर ही सभी दंगे के आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस बहुचर्चित और शर्मनाक मामले का नाम है बेस्ट बेकरी मामला, जिसे सुप्रीम कोर्ट को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर करना पड़ा। दरअसल बेस्ट बेकरी एक दुकान का नाम था। दंगों के दौरान शरण के लिए छुपे 14 लोगों को इस दुकान के अंदर जिंदा जला दिया गया। मरने वालों में 11 मुसलमानों के अलावा 3 हिंदू भी शामिल थे जो उस दुकान में काम करते थे। दंगों के बाद बेस्ट बेकरी मामला कोर्ट में पहुंचा। करीब 70 से अधिक गवाहों ने बयान भी दिए। इस नरसंहार का आरोपी लोकल भाजपा विधायक था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इस मामले में जिन लोगों ने गवाही दी थी उन्होंने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए। इस मामले की मुख्य गवाह जाहिरा शेख ने भी अपने बयान बदल लिए, जिसके खुद के परिवारीजनों को इस कांड में जान गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा गवाहों के बयानों को लिखते समय इतनी गलतियां की गईं कि मामला कोर्ट में टिका ही नहीं और 27 जून 2003 के दिन सभी 21 आरोपियों को रिहा कर दिया गया, ये कहते हुए कि सबूत नहीं मिले। चारों तरफ इस मामले की आलोचना हुई। बाद में गवाहों ने बताया कि उन्हें लोकल भाजपा विधायक जान से मारने की धमकियां दे रहा था, जो खुद बेस्ट बेकरी कांड में दंगों का आरोपी था। एक दिन मुख्य गवाह जाहिरा शेख ने मीडिया में आकर खुलासा किया कि लोकल बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव उसे हत्या करने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसने कोर्ट में बयान बदल लिया। जाहिरा शेख ने कहा कि हमें हर रोज धमकाया जा रहा था, मुझे लगा कि हमें मार दिया जाएगा और कोई भी हमारा समर्थन करने के लिए आगे नहीं आएगा, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। सोचिए, जिसके परिवारीजनों को जिंदा जला दिया गया उसे ही इतना परेशान और डरा दिया गया कि उसे कोर्ट में बयान बदल कर कहना पड़ा कि उसने कुछ देखा ही नहीं। और अदालत ने भी बिना इसकी जांच किए ही दंगे के 21 आरोपियों को बाइज्जत रिहा कर दिया। ये फिल्म नहीं
बल्कि गुजरात की हकीकत है। ऐसे ही ना जाने कितने दंगाई सैकड़ों मासूमों की हत्या करने के बाद भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे, बल्कि बहुत तो चुनाव दर चुनाव भी जीतते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात में न्यायिक प्रक्रिया की इस प्रकार धज्जियां उड़ाने पर नाराजगी जताई। उस समय वीएन खरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस वीएन खरे ने कहा कि उन्हें गुजरात सरकार में कोई भरोसा नहीं बचा। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेस्ट बेकरी मामले को गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया ताकि निष्पक्ष जांच हो। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे वीएन खरे ने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि गुजरात दंगे स्पष्ट रूप से स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड थे, यानी राज्य प्रायोजित नरसंहार थे जिनके पीछे सरकार की पूरी मशीनरी थी। इसी इंटरव्यू में जस्टिस वीएन खरे ने कहा, उस वक्त मेरे पास बहुत सी याचिकाएं आईं, करीब 400 मामले थे। मैंने इनकी एफआईआर को पढ़ा, मैं हैरान था कि किस ढंग से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इतनी बड़ी जांच के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने एफआईआर पढ़ी और इस निर्णय पर पहुंचा कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित किए गए नरसंहार थे, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। हत्याओं के सभी आरोपितों को छोड़ा जा रहा था। इस इंटरव्यू में गुजरात दंगों को राज्य प्रायोजित नरसंहार कहते हुए सीजेआई वीएन खरे ने बेस्ट बेकरी कांड और गुलबर्ग सोसाइटी का उदाहरण दिया और बताया कि किस प्रकार जानबूझकर इन दोनों जगहों पर नरसंहार होने दिया गया, जिसमें कि आराम से लोगों को बचाया जा सकता था। पूर्व सीजेआई वीएन खरे ने इस इंटरव्यू में एक जगह ये भी कहा कि मैंने ओपन कोर्ट में कहा, अगर मैं स्थिति में होता तो नरसंहार और हत्या के आरोप में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता। जस्टिस वीएन खरे पर दोबारा आने से पहले यहाँ एक चीज का जिक्र करना जरूरी है कि गुजरात दंगों में पीड़ितों द्वारा नरेंद्र मोदी पर तमाम आरोप लगाने के बावजूद गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं की। आप जानकर हैरान होंगे कि आज भले ही कहा जा रहा है कि दंगों में उनका हाथ होने के सबूत नहीं मिलते, लेकिन सबूत तब मिलेंगे जब उन पर एफआईआर हो, उन्हें रिमांड पर लिया जाता, क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते, ट्रायल होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। नानावती आयोग ने तो इतने साल तक जांच की, लेकिन एक बार भी मोदी को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया और बिना सवाल किए ही क्लीन चिट दे दी। एक इंटरव्यू में जब जस्टिस नानावती से यह पूछा गया कि आपने नरेंद्र मोदी को एक बार भी पूछताछ के लिए नोटिस क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगा ही नहीं कि मोदी को नोटिस भेजें। गुजरात दंगों की पूरी जांच में मोदी से सिर्फ एक बार पूछताछ की गई, वो भी साल 2010 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी के द्वारा। इसके बारे में आगे और डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल वापस बेस्ट बेकरी मामले पर लौटते हैं, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अविश्वास जताते हुए महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था। इस मामले में बाद में 21 आरोपियों में से 9 को उम्र कैद की सजा मिली, जबकि इन्हीं आरोपियों को गुजरात में पाइज्जत बरी कर दिया गया था। जब इस मामले को गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट किया गया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस सीजेआई वीएन खरे ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था जो इस केस के अलावा गुजरात दंगों के बाकी सभी मामलों की जांच में हुए फर्जीवाड़े को भी समझने में मदद करेगा। जस्टिस वीएन खरे ने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकीलों, जिनका काम किसी की साइड लेना नहीं होता बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि न्याय होना चाहिए, उन्होंने बचाव पक्ष के वकीलों की तरह काम किया। मोटामोटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों का साथ देने के बजाय सरकारी वकीलों ने आरोपियों का साथ दिया जिन पर की निर्मम हत्याओं के गंभीर आरोप लगे हुए थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिला न्यायालयों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स यानी कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। बेस्ट बेकरी केस में जिस सरकारी वकील रघुवीर पांड्या की संदिग्ध भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और कड़ी फटकार लगाई, वो रघुवीर पांड्या वडोदरा नगर निगम के चुनाव में भाजपा के समर्थन से चुनाव भी लड़ चुका था। वैसे हमें कैसे कह सकते हैं कि सरकारी वकीलों ने निष्पक्षता की होगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जैसे महत्वपूर्ण पद पर जिस पर कि काम करना न्याय दिलाना होता है, उस पर एक न्यूट्रल आदमी का होना जरूरी है, लेकिन गुजरात सरकार ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पदों पर प्रो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और बीएचपी वाले लोगों को नियुक्त किया, जिसका असर लोकल अदालतों में गुजरात दंगों की सुनवाई पर हुआ। वे लोग जिन्होंने गुजरात में अपनों को खो दिया, उन्हें भी न्याय नहीं मिला और अपराधी आसानी से छूटते रहे, जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीएन खरे ने कहा था। सरकारी वकीलों के पद पर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों की नियुक्ति को लेकर साल 2000 टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार चेतन शाह नाम के एक वकील को अहमदाबाद सेशन कोर्ट में चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि मुख्य सरकारी वकील बनाया गया था।
चेतन शाह उस विश्व हिंदू परिषद का घोर समर्थक था जिस पर की दंगे के आरोप लगे हुए थे। मुख्य सरकारी वकील बनने से पहले ही चेतन शाह ने दंगों और आगजनी के 100 से अधिक आरोपियों को जमानत दिलवाई थी। उसे ही अहमदाबाद सेशन कोर्ट में मुख्य सरकारी वकील बना दिया गया, जहां दंगों से जुड़े 950 से अधिक मामले सुनवाई के लिए आने थे। जिस चेतन शाह ने सैकड़ों दंगों के आरोपियों को जमानत दिलवाई थी, अब चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के नाते उसको डिसाइड करने का हक मिल गया कि किस मामले में कौन सा अधीनत या कौन की जूनियर सरकारी वकील हैंडल करेगा। सोचिए, जिस विश्व हिंदू परिषद पर सैकड़ों लोगों को जलाने हत्याएं करने के आरोप हों, अब उसके ही समर्थकों पर गुजरात सरकार ने जिम्मेदारी दे दी कि पीड़ितों को न्याय मिले। अगर इस पूरी प्रक्रिया को जुडिशियल फ्रॉड ना कहें तो क्या कहें। बड़ौदरा में संजय व्यास असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया, जो कि विश्व हिंदू परिषद के शहर अध्यक्ष अजय जोशी का भांजा था। इसी तरह दूसरे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारकेश हरिभक्ति और जेपी भट्ट, ये सब भी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के समर्थक थे। जिस गुलबर्ग सोसाइटी में एहसान जाफरी समेत 69 मुस्लिमों, महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया, उस गुलबर्ग सोसाइटी के भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वीपी अत्रे भाजपा और आरएसएस के समर्थक थे। इसी तरह का जुडिशियल फ्रॉड सरदारपुरा मामले में किया गया, जिसमें कि 29 लोगों को एक कमरे में बंद करके तेजाब से हमला किया गया और एक लोहे की रॉड में बिजली का तार जोड़कर 29 लोगों को करंट से मार डाला गया। यहां भी पुलिस बचाने नहीं आई। इस मामले में भी मुख्य आरोपी बजरंग दल का कार्यकर्ता चंद्रकांत था। और आपको जानकर शायद हैरानी हो और शायद हैरानी ना भी हो, लेकिन इस सरदारपुरा मामले में भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिलीप त्रिवेदी को बनाया गया, जो कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बैकग्राउंड से आता था। अब सोचिए, कितनी निष्पक्षता के साथ इन लोगों ने इस नरसंहार में मारे गए लोगों को न्याय दिलाया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच एजेंसी एसआईटी ने भी 2010 में जारी की अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स द्वारा दंगाइयों को रिहा कराने की बात का खुलासा किया था। एसआईटी गुजरात दंगों के 9 बड़े मामले, जैसे कि गुलबर्ग सोसाइटी मामला, सरदारपुरा मामला, बेस्ट बेकरी मामला, नरोदया पाटिया मामला, इन मामलों की जांच कर रही थी। एसआईटी ने बेस्ट बेकरी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि रघुवीर पांड्या प्रो बीएचपी वकील को सरकार द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया, यानी उसे निष्पक्षता से विक्टिम्स को न्याय दिलाना था। पांड्या ने बेस्ट बेकरी मामले में ट्रायल कंडक्ट किए, जिसके परिणाम स्वरूप सभी 21 आरोपियों को रिहा कर दिया गया। एसआईटी ने सुझाव दिया कि बार एसोसिएशन को पांड्या पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस एसआईटी टीम के मेंबर्स पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि इसमें जांच करने वाले अधिकतर गुजरात राज्य के ही पुलिस अधिकारी थे। यहां ये बताना जरूरी है कि किसी मामले में जिस वरिष्ठ वकील को अदालत अपना एमिकस क्यूरी या न्याय मित्र बनाती है, जिसका काम उस मामले पर कोर्ट को सलाह देने का होता है, आवश्यक जानकारियां देने का होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है कि जांच एजेंसी एसआईटी के काम पर कैसे नज़र रखनी है और इस एसआईटी में सदस्य कौन कौन होंगे, ये काम एमिकस क्यूरी के द्वारा किया जाता है। साल 2009 में गुजरात दंगों की फिर से जांच करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी का गठन किया गया, तो हरीश सालवे को एमिकस क्यूरी बनाया गया था, जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। वे न केवल भाजपा के करीबी थे, बल्कि गुजरात सरकार के लिए कॉरपोरेट लॉबिंग करते थे। वैसे में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बाद भी हरीश सालवे ने ही एसआईटी के सदस्यों का चुनाव किया, जिनकी जिम्मेदारी गुजरात दंगों की दोबारा से जांच करने की थी। हरीश सालवे पर तहलका मैगजीन से बात करते हुए तीस्ता शीतलवाड़ ने कहा, एसआईटी की टीम में गुजरात पुलिस के अधिकारियों को शामिल किया गया, जबकि हमने एसआईटी की टीम गठित करते समय पीड़ितों की तरफ से निवेदन किया कि एसआईटी जांच की टीम में सिर्फ उन लोगों को सदस्य बनाया जाए जिनका अतीत किसी विचारधारा, संगठन या पार्टी की तरफ झुकाव का नहीं रहा हो। गुजरात पुलिस के ऐसे अफसर जिनका इतिहास न्यूट्रलिटी का रहा है, उन्हें एसआईटी की टीम में शामिल किया जाए। लेकिन एमिकस क्यूरी यानी हरीश सालवे ने बिना पीड़ितों और हमसे कंसल्ट किए ही गुजरात सरकार द्वारा भेजे गए नामों को ही एसआईटी में शामिल किया। हमने इस पर आपत्ति जताई और अन्य नाम सुझाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर आर के माधवन को एसआईटी का हेड बनाया, लेकिन जांच करने वाली इस टीम में 3 महत्वपूर्ण सदस्य गुजरात पुलिस से लिए गए थे, एक आईजी आशीष वाटिया, एक आईपीएस गीता जौहरी और एक शिवानंद झा। ये वो 3 सदस्य थे जिनका काम सीधे जमीन पर जांच करने का था। इसके अलावा एसआईटी की पूरी सहायक टीम
कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से लेकर डिप्टी एसपी तक की पूरी सहायक टीम गुजरात पुलिस की थी, जिन्होंने वास्तव में ग्राउंड पर जाकर जांच की, जिनका काम आरोपियों से पूछताछ और गवाहों का एग्जामिनेशन करना था। ये सब उस गुजरात पुलिस से आते थे जिसके बड़े अधिकारियों पर आरोप था कि सरकार, मंत्रियों, विधायकों, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दबाव में इन लोगों ने दंगों में निष्कृतियां नवाई। अब उन्हीं लोगों का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की टीम के लिए जांच करने का था, यानी अदालत से लेकर जमीनी जांच तक, थाने से लेकर मंत्रालय तक जांच की जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई जिन पर दंगों के आरोप थे। एसआईटी की टीम में शामिल गीता जौहरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में एक सख्त टिप्पणी की गई थी और मामले की जांच को राज्य की सीआईडी से लेकर केंद्र की सीबीआई को सौंप दिया था। आईपीएस अधिकारी गीता जौहरी सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में मुख्य जांचकर्ता थी, जिसकी जांच करने की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ही सवाल उठा चुका था। अब उसे ही हरीश सालवे ने एसआईटी का सदस्य बना दिया, जिसे कि गुजरात दंगों की जांच करनी थी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के सदस्यों के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जाने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2010 में ऑर्डर दिया कि आईजी आशीष भाटिया और आईपीएस अधिकारी गीता जौहरी को एसआईटी की टीम में बाहर किया जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब इन दो सदस्यों के रिप्लेसमेंट की बात आई, तब भी हरीश सालवे ने पीड़ितों के सुझाव को नहीं सुना और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी। शीतलवाड़ का कहना है कि हमने जनवरी 2010 में डिटेल में पत्र लिखकर बताया कि कैसे गुजरात में जांच के नाम पर एसआईटी के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, लेकिन अमिकस क्यूरी हरीश सालवे ने एक न सुनी। हारकर 6 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि वे हमारी बातें सुने, और अंत में सुप्रीम कोर्ट को एक गुजरात के बाहर के पुलिस अधिकारी ए के मल्होत्रा को कहना पड़ा कि वे जांच में की जा रही गड़बड़ियों की जांच करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने भी एमिकस क्यूरी के रूप में हरीश सालवे की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पहले भी कई मामलों में उन्होंने एमिकस क्यूरी रहते हुए निष्पक्षता नहीं निभाई थी। कुल मिलाकर जांच करने वाले निचले अधिकारियों से लेकर एसआईटी के सदस्यों में गुजरात पुलिस का हस्तक्षेप रहा, जिस पर कि सीधा सीधा कंट्रोल गुजरात सरकार का है। अपने आसपास के राज्यों पर नज़र घुमाइए और सोचिए कि राज्य की पुलिस अपने मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और उसके समर्थकों के खिलाफ कितनी न्यायपूर्ण जांच कर सकती है। ऐसा ही गुजरात दंगों की जांच के मामले में हुआ। नानावती आयोग की तरह ही एसआईटी की जांच ने भी कह दिया कि मोदी के खिलाफ सबूत नहीं मिलते। बिना किसी एफआईआर के ही मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। दंगों के असली अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस चौकी से लेकर न्यायिक प्रक्रिया तक को हाथ में लिया गया। अपने ही हिसाब के सरकारी वकील चुने गए। दंगों के हजारों पीड़ित दंगों के बाद लिखी गई एफआईआर से लेकर अंत में आई जांच रिपोर्ट तक एक उस प्रक्रिया से गुजरे जिसे एक जुडिशियल फ्रॉड कहा जाए तो भी कम है, क्योंकि ये किसी की मानवीय संवेदनाओं की भी हत्या थी। न केवल लोगों की हत्याएं की गई, बल्कि न्याय के न्यूनतम मूल्यों की भी हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी एन खरे ने तो ये भी कहा था कि गुजरात में दंगों के आरोपियों और उन पर मुकदमा चलाने वाले अभियोजन पक्ष यानी कि सरकारी तंत्र में कोई अंतर ही नहीं बचा था। गुजरात दंगों की जांच के नाम पर नानावती आयोग ने, जिसे कि राज्य सरकार ने ही नियुक्त किया था, उसने अपनी पहली रिपोर्ट देने में ही 6 साल का लंबा वक्त लगा दिया। दूसरी रिपोर्ट साल 2014 में जाकर सौंपी। इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 2008 में सौंपी थी। ये पहली रिपोर्ट भी गुजरात दंगों पर नहीं थी, बल्कि गोधरा कांड पर थी। अपनी पहली रिपोर्ट में भी नानावती आयोग ने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी, ये कहते हुए कि गोधरा कांड में मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। बाद में जब साल 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तब जाकर अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंपी और गुजरात दंगों के लिए मोदी को क्लीन चिट दी। इधर साल 2006 में ही एहसान जाफरी की पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड़ के साथ और उनके एनजीओ की मदद से कोर्ट पहुंची और मांग की कि गुजरात दंगों की जांच राज्य सरकार की मशीनरी की जगह सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने मोदी और अन्य 60 से अधिक लोगों पर तथ्यों के साथ आरोप लगाया कि इन लोगों ने प्लानिंग के तहत गुजरात दंगे कराए और होने दिए, इसलिए इनकी भूमिका की जांच हो। लेकिन लोकल अदालत और गुजरात हाईकोर्ट ने जाखिया जाफरी की एक बात न सुनी। अंत में साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और एसआईटी के गठन का आदेश दिया। इस एसआईटी का हेड सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आर के माधवन को बनाया गया, जिन्हें बाद में मोदी ने रिटायरमेंट के बाद में साइप्रस देश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया।
माधवन के अलावा बाकी सदस्यों की नियुक्ति कैसे हुई, कैसे हरीश सालवे ने की, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अपनी साल 2012 की क्लोजर रिपोर्ट में इस SIT की टीम ने मोदी को क्लीन चिट दे दी। जाकिया जाफरी जो पहले से ही कह रही थी कि इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड चल रहा है, उन्होंने इस रिपोर्ट के खिलाफ गुजरात की लोकल अदालत में एक याचिका डाली कि वो इस रिपोर्ट को स्वीकार ना करें, लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा इस याचिका को रद्द कर दिया गया और SIT की फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। जाकिया फिर हाईकोर्ट पहुंच गईं, लेकिन वहां भी साल 2017 में उनकी याचिका को रद्द कर दिया गया। साल 2018 में मृतक एहसान जाफरी की बुजुर्ग विधवा जाकिया जाफरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कुछ दिन इस मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन बीते 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी जाकिया जाफरी की इस याचिका को रद्द करते हुए SIT की रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा भी बयान दिया जिससे न्याय की उम्मीद करने वालों को गहरा दुख पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जाकिया जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल अपने लिए कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अगले ही दिन तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिलहाल तीस्ता जेल में है, लेकिन कमाल की बात है कि न्याय को कुचलने वाले आज संवैधानिक पदों पर हैं, लेकिन न्याय के लिए लड़ने वाले जेल में हैं। न्याय की आस में 20 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाली जाकिया जाफरी को इस देश की न्याय व्यवस्था से आखिर क्या मिला? इन बूढ़ी आँखों का तापमान महसूस करने की ज़रूरत है। ये आँखें हिंदू हों या मुसलमान हों, क्या फ़र्क पड़ता है? अपने अगले एपिसोड में और शायद गुजरात दंगों से जुड़ी इस सीरीज के अपने आखिरी एपिसोड में हम मोदी और उनकी सरकार पर लगे आरोपों की पड़ताल करेंगे कि संजीव भट्ट के उस आरोप में कितनी सच्चाई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी ने एक मीटिंग में अधिकारियों को कुछ विशेष निर्देश दिए थे। इस आरोप की भी पड़ताल करेंगे कि जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी ने जब मरने से पहले मोदी को कॉल किया तो उन्होंने क्या कहा। बात करेंगे उन हरेन पांड्या की भी जो गुजरात के गृह मंत्री रहे थे और मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों को लेकर दिए बयान के बाद जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई, और उन अधिकारियों की भी बात करेंगे जिन्होंने दंगों को रोकने की कोशिश की, निर्दोष लोगों को बचाने की कोशिश की और अंत में उन्हें सजा मिली। उन अधिकारियों का इतिहास भी टटोलेंगे जो दंगों में शामिल रहे और बाद में हुजूर से इनाम पाए। गोधरा कांड और गुजरात दंगों की पड़ताल पर अपनी सीरीज का ये तीसरा एपिसोड था। इससे पहले 2 एपिसोड बनाए जा चुके हैं जो गोधरा कांड और नरोदा पाटिया नरसहार पर गहरी पड़ताल करते हैं। इन वीडियोज़ की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।